नमस्कार, आप देख रहे हैं PCN भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मिर्जापुर विंध्याचल थाना क्षेत्र के घमहारपुर कोटान बस्ती में रविवार दोपहर लगभग 3 बजे पड़ोसी के घर में 17 वर्षीय युवक की फांसी के फंदे से लटकी मिली लाश। पुलिस को प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलम सरोज 17 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शिव शंकर सरोज निवासी घमहारपुर के मकान में बगल के बिंद परिवार के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पहुंच गया था। लड़की के परिजनों ने युवक के कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। आप देख रहे हैं PCN भारत। देखिए हमारी खास खबर, देखते रहिए PCN भारत। लड़का के फांसी लगाई के मरबे कहे नहीं तोरे लड़का के मारत चाहे एक के चाहे दो ठो मारत जरूर फांसी लगाई के। तो हमने कहा दुश्मनी भा बात मनाई एक हो जाए, हमसे सबसे दुश्मनी कजिया झगड़ा जिकरे घर होता तू एक हो जाता आज रही काल। लड़का के फांसी लगाई के काहे मरबू हाथ जोड़ थई पुलिस के हाथे दई दे कहे नहीं हमार लड़की बुलाए जरूर रही घर में काहे ओली जान। अच्छा, अपने लड़की के निकाल के आपको क्या लग रहा है फांसी कौन लगाया होगा? फांसी परिवार में कौन कौन? रमेश का मेहरारू, रजिंदर का मेहरारू, रजिंदर नहीं बाप नहीं अब वो करे घरे में कुल लड़का परिवार लड़के वो लोग। तो बच्ची का क्या नाम था? वो लड़का क्या नाम था? मंगला। मंगला कितना उम्र था उसका? उसका 17 साल। नाबालिग है वो? नाबालिग। ठीक है। दिनांक 12/3/2023 को सायंकाल एक सूचना प्राप्त होती है कि थाना विंध्याचल अंतर्गत ग्राम घमहापुर में उसके चचेरे भाई ने फ़ोन किया। पुलिस को सूचना दी कि उसके भाई को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने घर के अंदर बंद कर रखा है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर देखा जाता है कि दरवाज़ा बाहर से ताला बंद हुआ है। जब मौके पर पुलिस ताला को खोलती है तथा अंदर से कुंडी को निकाल के जब देखा जाता है तो वह लड़का जिसका नाम मंगलम सरोज है, 19 वर्ष का है, उसने दुपट्टे से फांसी लगा रखा था। तत्काल उसकी बॉडी को उतारा जाता तथा PM के लिए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवाया जाता है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही तथा लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं।